फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग जो है कल की क्लास में बात करें तो कोई भी ग्रुप दिया हुआ है जिसके एलिमेंट का आर्डर आपको निकालना है, तो कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ बच्चों का जो है कमेंट्स आया, अक्सर उसको जो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, तो एक बार हम उसको जो है फिर से देख लेते हैं। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बात करूँ कोई लेट सेट आपका जी है जिसके एलिमेंट है आपके 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपको मालूम ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, और जो ऑपरेशन था यहाँ पे आपको याद होगा, जब इसको मैंने दिखाया था कि ये आपका अबेलियन ग्रुप होता है, तो हमने बताया था वहां पे ऑपरेशन क्या होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, जैसा कि आपको मालूम जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का आर्डर लिखने के लिए आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि भाई इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। आपको मालूम है इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। ठीक, तो हमने बताया था कि जो डेफिनेशन बताया था आर्डर ऑफ एलिमेंट का, इट मींस जैसे ए टू पावर ए एन लिखे इक्वल टू क्या हो जाए, आइडेंटिटी, यानी ए को कितनी बार उसकी जो है पावर को बढ़ाते जाए तो आपको ई मिल जाए। लेकिन ध्यान आपको रखना जो एन होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे एन को ध्यान रखना। ठीक, बस यदि आपको ए टू पावर एन इक्वल टू ई मिल गया, इट मींस आर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आपने इस डेफिनेशन को देख लिया था आर्डर ऑफ एलिमेंट के, जब हमने डेफिनेशन आपको बता रखा था उस समय। ठीक है, चलो अब इस जो सेट जी है इसके एलिमेंट क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इन सभी का एलिमेंट का हम क्या निकालते हैं, आर्डर निकालते हैं। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट का आर्डर क्या होता है, 1। और सिंपल सी बात है, 1 की पावर आप करेंगे 1, यहाँ पे ऑपरेशन क्या, मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 की पावर 1 करेंगे। हालांकि आपको चाहे 1 × 1 × कुछ भी करते जाएंगे आपको 1 ही तो मिलेगा, लेकिन जो n होना है क्या, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो है सबसे कम पॉजिटिव इंटीजर है जो कि आपको ई दे देगा। ठीक है, तो 1 to power 1 क्या होता है, ई होता है, है ना, 1 ही 1 ही आ जाएगा। 1 क्या है, इस सेट का आइडेंटिटी है, इसलिए जो 1 एलिमेंट है इसका जो आर्डर होगा 1 होगा। इज इट क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आर्डर ऑफ ओमेगा की। अब आर्डर ऑफ ओमेगा क्या होगा, अब देखिए ओमेगा को कितनी बार जो गिवन ऑपरेशन है उस ग्रुप का, जो भी ऑपरेशन में ग्रुप हो रहा है एक्चुअली, उसको क्या करें, यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ओमेगा को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। आपको मालूम है ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये ओमेगा क्यूब होगा, जैसे ही ओमेगा क्यूब होगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। 1 क्या है, इस सेट का आइडेंटिटी है। ठीक है, इट मीन्स आर्डर ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ओमेगा को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आपको आइडेंटिटी के इक्वल मिला। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। आर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर की बात करेंगे तो अब सिंपल सी बात, फिर वही प्रोसेस करना है, ओमेगा स्क्वायर कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आपको आइडेंटिटी देंगे। तो जाहिर सी बात है ओमेगा 2 यानी इट मींस ओमेगा 2 पावर 6। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इट मींस हो जाएगा 1। यानी यहां पे देखो ओमेगा स्क्वायर कितनी बार आपने किया, 3 बार, इसलिए ओमेगा स्क्वायर का जो आर्डर होगा वो भी क्या होगा, 3 होगा। और एक रिजल्ट आपने ये भी पढ़ा है कि जो जिसे इस सेट में एलिमेंट क्या है, 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी अबेलियन ग्रुप है, तो इसकी आइडेंटिटी भी आपको मिलेगी यहाँ पे और इनवर्स भी मिलेगा। और हमने इसको आपको सिखाया था इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी तो हमने लिख भी दिया 1 होगी। तो हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा ये भी हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एक रिजल्ट ये भी होता देखा जाए तो यदि इनवर्स आप ओमेगा की बात करें तो जो ओमेगा का इनवर्स होगा वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे मालूम, सिंपल सी बात है, हमने इनवर्स की डेफिनेशन आपको बताया था, यदि ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा का इनवर्स होगा तो डेफिनेटली जो गिवन ऑपरेशन में ये ग्रुप होल्ड कर रहा है, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, यानी ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, इट मींस ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा का इनवर्स है। यू कहे ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा होगा और ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ध्यान यहाँ पे एक चीज ये रखना, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग विशेष कर देखते हैं, यदि सपोज करो ओमेगा का हमने बताया क्या इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है,
तो जो ओमेगा का आर्डर होगा वही हमेशा उसके इनवर्स का भी आर्डर वही होगा, ये थ्योरम होता है, ठीक है। यानी जो ओमेगा का आर्डर होगा वही ओमेगा स्क्वायर का होगा, यानी जो भी एलिमेंट किसका जो भी इनवर्स रहा होगा, ठीक है, हमेशा उसका भी आर्डर सेम होता है जो एलिमेंट का आर्डर का होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना। और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं दूसरा सेट ले ले रहा हूँ, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, वन और आपका है माइनस वन, आई और माइनस आई, आई माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसका आर्डर निकालते हैं हर एक एलिमेंट का। तो वन माइनस वन, आई माइनस आई, ठीक। यहां पे आइडेंटिटी की बात करें तो यहां पे आइडेंटिटी आपका वन ही था, आपको याद ही होगा, है। तो यदि हम आर्डर ऑफ वन की बात करें, आइडेंटिटी का आर्डर आपका वन ही हो जाएगा, वही डेफिनेशन जो हमने अभी पीछे बताया, ठीक है। अब हम बात करें तो आर्डर ऑफ माइनस वन की, तो यहाँ पे भी ऑपरेशन वही है, मल्टीप्लीकेशन है, यानी माइनस वन को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, आइडेंटिटी वन है, ऑब्वियसली बात है, माइनस वन इंटू माइनस वन करेंगे तो भी वन मिलेगा, इट मीन्स दो बार, इसलिए आर्डर ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं आर्डर ऑफ आई की, तो आई को कितनी बार हम लोग मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी दे दे, इस सेट का आइडेंटिटी वन है, आई इंटू आई करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर आई करेंगे माइनस आई, इट मीन्स आई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, कैसे भाई, आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस वन, वन हो जाएगा, ठीक है जी। तो इट मीन्स आर्डर ऑफ आई कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, है ना, आर्डर ऑफ आई कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो आई का जो इनवर्स होता है क्या होता है, माइनस आई, जो आई का जो आर्डर होगा वही इसके एलिमेंट के इनवर्स का भी आर्डर होगा, इट मींस या खुद करके भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें निकालना है कि हम आर्डर ऑफ माइनस आई, तो माइनस आई को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मिलेगा, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा जो है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है यानी प्लस आई स्क्वायर अगेन माइनस वन हो जाएगा, आपको फिर आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई स्क्वायर की फिर वैल्यू माइनस वन होती है इंटू, यानी यहाँ पे आप आई स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और यहां से भी मैंने बताया कि भाई आई का इनवर्स क्या होता है, माइनस आई होता है, तो जो आई का आर्डर होगा वही इसके इनवर्स का भी आर्डर होगा, इट मीन्स आर्डर ऑफ माइनस आई भी, माइनस आर्डर ऑफ आई माइनस आई भी क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप द एग्जाम्पल के थ्रू आप चीजों को समझ गए होंगे, कोई भी ग्रुप गिवन है उसके जो एलिमेंट का आर्डर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। अब यहाँ पे जो जीआईसी मेंस की बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे यही ग्रुप दे दिया, पूछ लेगा कि इसमें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का आपको आर्डर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आएंगे, लेकिन वही चीज है भाई, वेरी शॉर्ट में आएंगे, है ना, क्वेश्चन छोटा है तो वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा, और आजुटी टाइम में इनका रोल तो होता ही है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, एक और नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेसिड्यू क्लासेस मॉडल एम, आपने देखा था इसको, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका जेड सेवन और एडिशन मॉडल सेवन, ठीक है। तो जेड सेवन की बात करें, यानी जो जेड एम था एक्चुअली, इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो बार, वन बार, टू बार, थ्री बार, फोर बार, फाइव बार एंड सिक्स बार, ये जेड सेवन के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बताया था कि जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन मॉडुलो सेवन है, इट मीन्स ए बार कहें और एडिशन मॉडुलो सेवन बी बार कहें, ये होता क्या था, रिमाइंडर ऑब्टेंड, ऑब्टेंड व्हेन ए बार प्लस बी बार इज डिवाइडेड बाई सेम, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, जैसे मैं ये आपसे ये कहूं वन बार है और एडिशन मान लो सेवन टू बार, आएगा क्या, आप सिंपली करते क्या, दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। हालांकि ये सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, वन बार और टू बार को ऐड करोगे, जो आएगा
उसको जो है आप 7 से डिवाइड करें, फिर जो रिमाइंडर आएगा वही यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिखा है रिमाइंडर आप 10, रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे जो आता है उससे हम जो है क्या करें डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लिख लेते हैं, तो 1 + 2 3 आएगा, 3 बार 3 7 से छोटा है तो जो रिमाइंडर आएगा वही 3 बार ही आ जाएगा, ठीक वही चीज है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका सेट ये है, ऑपरेशन ये है, क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है इसमें इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का आर्डर निकालना है, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा आर्डर, अच्छा इस सेट का जो है आइडेंटिटी क्या होता था आपको याद होगा, आइडेंटिटी यहाँ पे 0 बार होता था, ठीक है। इस सब चीजों को डिटेल में डिस्कस किया, पूरा पूरा 40 मिनट का क्लास एक ही क्वेश्चन में मैंने दे दिया ताकि ये सब चीजें आपको इजिली समझ में आ जाए। अब हम ये सब चीजें करेंगे तो आपके माइंड तुरंत क्लिक करेगा, हाँ ये चीजें ऐसे हो रही है, चीजें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। चलो आर्डर आप 0 बार, यहाँ पे 0 बार क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब वही चीज, इट मीन इस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट, इस सेट की किसी भी एलिमेंट के साथ गिवेन ऑपरेशन जो है उसके साथ ऑपरेट करेंगे क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा, चाहे 0 को 1 बार के साथ ऑपरेट करेंगे। इट मीन ऑपरेट करने का मतलब यहाँ किस तरीके से, यानी 0 बार एडिशन मान लो 7, 1 बार क्या आ जाएगा 1 बार आएगा, 0 बार एडिशन मान लो 7, 2 बार क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, 0 बार एडिशन मान लो 7, 3 बार कितना आएगा 3 बार आएगा। इट मीन यहाँ से क्लियर, इट इज क्लियर दैट 0 बार इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 7, ठीक है। चलो तो अब वही बात, अब आर्डर आप 0 बार करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, हमने बताया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका आर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आर्डर ऑफ 1 बार आपको बताना है, तो आर्डर ऑफ 1 बार वही चीज, यहाँ पे जो गिवन ऑपरेशन है, ठीक है, अब 1 बार को कितनी बार उसको जो है ऑपरेट करें, ठीक है, तो आइडेंटिटी इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या आना होगा 0 आना होगा, ठीक है, आइडेंटिटी 0 बार है। इट मीन्स हम अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, एडिशन मार्ट लो 7, यानी 1 बार प्लस 1 बार, अब यहाँ पे चाहे एडिशन मार्ट लो 7 भी आप लगा सकते हैं, 1 बार 1 बार 1 बार 5 हुआ प्लस 1 बार ये आपका हुआ जो है 3, 6, 7 बार, अब 7 बार हो गया। अब 7 बार होता क्या है, डिवाइड करेंगे ना 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 बार, यानी 7 बार को आप क्या लिख सकते हो 0 बार, ठीक है। इट मीन्स आपने ये देखा 1 बार को हमने कितनी बार जो है इसको ऑपरेट किया है ना गिवन ऑपरेशन के साथ, तो 7 बार, ठीक है, यानी इट मींस इस 1 बार का जो आर्डर होगा क्या हो जाएगा 7 बार हो जाएगा, ठीक है। आर्डर ऑफ 1 बार कितना हो जाएगा भाई 7 बार हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से मैं बात करूं कि आर्डर ऑफ जो है 1 तो हो ही गया, आर्डर ऑफ 2 की बात करें, ठीक है, आर्डर ऑफ 2 बार क्या हो जाएगा, यहां पे देख लो आर्डर ऑफ 2 बार इसके साथ भी वही काम करते हैं, 2 बार को हम कितनी बार ऑपरेट कराएं आइडेंटिटी इक्वल दे दें, आइडेंटिटी मतलब 0 बार आ जाए, ठीक है। तो चलो 2 बार करेंगे प्लस 2 बार 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ और फिर आपका हुआ 10, ठीक है, फिर 12 और इधर आपको दिख रहा है कि नहीं, इधर लिख रहे हैं प्लस 14। अब 7 से डिवाइड करोगे 7 × 2 = 14, ये एक्चुअली आया क्या 14 बार आया है ना, और 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन 2 आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, इट मींस इसको हम लोग क्या लिखे अगेन 0 बार, इट मींस 2 बार को हम लोग 7 टाइम्स ऑपरेट कराए है ना विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, तो हमें आइडेंटिटी मिल रहा है इस सेट का, ठीक है। तो यानी आर्डर ऑफ 2 बार क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 बार नहीं होगा 7 होगा, आर्डर ऑफ 2 बार क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं, आर्डर ऑफ 3 बार करें तो 3 बार को ऑपरेट कराओ, कितनी बार ऑपरेट कराएंगे आपको जो है इस सेट का आइडेंटिटी मिले यानी 0 बार मिले, चलो 3 बार 6 9 12 15 18 21, ठीक है, तो 7 × 3 = 21, ये 21 बार हुआ ना, 21 बार डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी 7 7 7 × 3 = 21, ठीक है, 7 × 3 = 21 यानी 0 बार। इट मींस 3 बार को आपने 7 टाइम्स जो है इसको ऑपरेट कराया है ना, तो आपको आइडेंटिटी मिला, इट मींस आर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा 7, यानी यहां पे जितने भी एलिमेंट है सबका आर्डर 7 ही आएगा एक्सेप्ट आइडेंटिटी यानी 0 बार को छोड़, ठीक है। आई होप 3 एग्जांपल के थ्रू आप चीजों को समझ गए होंगे, कोई भी ग्रुप दिया हुआ है उसके जो एलिमेंट है उसका हम आर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, अभी आपको डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा, हम चीजों को फिर से करेंगे, ठीक।
खासकर थोड़ा सा वो लोग ध्यान दें जो अभी हाल ही में जुड़े हैं या जो हाल में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए ये है कि थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाएं, है ना। जैसे ही सारी वीडियो आप देख लीजिएगा तो हमें जरूर बताइएगा, हम थोड़ा सा आपको और टाइम ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। रीजन सिर्फ यही है कि ताकि आप लोग भी साथ में आ जाएं तो चीजें सही रहेगी। पता चल रहा है कि कुछ लोग अभी पीछे का ही वीडियो नहीं देख पाए हैं, उसको आप जल्दी से पूरा कर लीजिए। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक। सो दैट ग्रुप जी इज अबेलियन, सो दैट अ ग्रुप जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ ए वी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अक्सर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट। इस क्वेश्चन को समझिए। अब अलजेब्रा में जो है हर क्वेश्चन थ्योरम होता है, ठीक है। हर स्टेटमेंट अपने आप में थ्योरम है, हर स्टेटमेंट अपने आप में रिजल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिवन क्या है, सो दैट अ ग्रुप जी इज अबेलियन ग्रुप, और यहाँ पे वर्ड लिखा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली का मतलब क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन। इट मीन्स आपको वाइस वर्सा दोनों आपको लेके चलेंगे, ठीक है। इट मीन्स आप ये लेके चलेंगे, एक बार ये मानेंगे कि लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, जी आपका क्या अबेलियन ग्रुप है, तो आप प्रूफ करेंगे ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका कन्वर्स पार्ट भी लेके चलेंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली केस में हम लोग दोनों पार्ट लेके चलते हैं, कन्वर्स पार्ट भी लेके चलेंगे। इसका कन्वर्स पार्ट क्या होगा, यानी ए इफ लिखेंगे आप कन्वर्स, इफ ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन यू हैव टू शो दैट जी इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, मानते हैं लेट जी इज अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, देन We have to show that, चीजों को आप अच्छे से लिखिए, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं आपको, आपको मेंस देना है। We have to show that, we have to prove that, prove that AB whole square equals to A square B square for all AB belongs to the G, ठीक है। यहाँ पे जो जी है वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ये बात गिवेन है, और आपको शो करना है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। चलो कंसीडर करते हैं नाउ, तो ए बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग इसको जो है ए और बी, ए को जो है बी के साथ में ले रहे हैं, ठीक। ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं भाई, जो जी ग्रुप है वो अबेलियन है एक्चुअली, ठीक है, अबेलियन ग्रुप है, वो एसोसिएटिव भी रहा होगा, कम्यूटेटिव भी रहा होगा, आइडेंटिटी रिजिस्ट करेगा, इनवर्स रिजिस्ट करेगा। हम लोग भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से जो है हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमें पहुंचना कहाँ पे है ये आपको माइंड में क्लिक करते रहना चाहिए, हमें यहाँ पे पहुंचना है ए बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे हमें पहुंचना है, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करें, अब आपको एक चीज ये भी मालूम है कि जो अबेलियन ग्रुप होता है कम्यूटेटिव होता है, यानी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए के इक्वल लिख सकते हैं, एक कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव का मतलब यही तो होता है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो जहां पे बी ए है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, क्यों भाई, ए बी ऐसा लिख सकते हैं, बी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो है जी जो ग्रुप है आपका अबेलियन है, अबेलियन है तो इट मींस कम्यूटेटिव भी होगा। अब फिर भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम ए को ए के साथ ले ले रहे हैं और बी को बी के साथ ले ले रहे हैं बाय एसोसिएटिविटी, ठीक। तो अब ए इंटू ए क्या हो जाए, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर, इट मींस ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट जी, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब इसका हम लोग कन्वर्स पार्ट लेते हैं, ठीक है, कन्वर्सली इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कन्वर्सली में क्या लेके चलेंगे भाई, अब ये लेके चलेंगे, यानी ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके चलेंगे, और आप प्रूफ करेंगे कि जी जो है क्या है, अबेलियन ग्रुप है,
कन्वर्सली सपोज दैट लेट ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द जी, देन वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट अच्छे से आप चीजों को लिखिए जी इज अवेलेबल, ठीक है। अब जी अवेलेबल ग्रुप हमें अब प्रूफ करना है और हमें गिवन क्या है इस बार, गिवन ये है कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए अवेलेबल दिखाना, इट मींस हमें दिखाना पड़ेगा कम्यूटेटिव है यानी ए बी इक्वल टू बी। अब ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, क्या गिवन है आपने देख लिया, क्या हमें प्रूफ करना है, अब वो आपको दिख रहा है भाई हमें अवेलेबल दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी इंटू बी ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ये दिखाना पड़ेगा। चलते हैं भाई गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ए बी और ए बी और ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख लें और बी को बी स्क्वायर को बी इंटू बी, ठीक है, इंटू ना लगाओ सिर्फ बी बी लिखो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है भाई, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब आपको मालूम है यहाँ पे कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप तो है ये है, ठीक है, तो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ए को बी ए को साथ में ले लो, यहाँ में बी करो, ठीक है, और यहाँ पे ए बी को साथ में लो, साथ बी करो। अब आपको मालूम है बाय लेफ्ट कंसिलेशन ना, ठीक है, ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पहले जो जो प्रॉपर्टी यूज करो आप लिखते भी चलो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, फिर बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला, ठीक है, जो भी डेफिनेशन या जो भी चीज आप यूज करो साइड में जरूर आप सर्च करके लिख दिए करिए, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब यहाँ पे फिर आप लिखो जो है आएगा क्या बी ए बी और ए बी बी, अब ये क्या है दोनों साइड में राइट साइड में बी है, अब आप लिखोगे बाय राइट कैंसिलेशन ला, ठीक है, बाय राइट कैंसिलेशन ला, अब बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या बी ए इक्वल टू ए बी, वही चीज अभी हमने बताया कि आपको अवेलेबल ग्रुप दिखाने के लिए कहां पहुंचना पड़ेगा, ए इक्वल टू बी आप दिखा पाते हो आप कहोगे कि ग्रुप इज अवेलेबल ग्रुप, ठीक है, हेंस हेंस जी इज अवेलेबल ग्रुप, ये आपका जो है कंप्लीट प्रूफ होता है, ठीक है। अब मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, मैं आप खुद से करिएगा, ये रिजल्ट सिर्फ n इक्वल टू 2 के लिए नहीं से बल्कि ये आपका जो इन जनरल जो है ए बी टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एन बी टू पावर एन, यानी जो नया क्वेश्चन बनेगा सो दैट अ ग्रुप जी इज अबेलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी रेज टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एन इंटू बी टू पावर एन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट जी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से प्रूफ करिएगा, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, तरीका हिंट ये है करने का, इसको जो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ करें, आपको ऑलरेडी पता होगा मैथमेटिकल इंडक्शन होता है क्या है। सबसे पहले मानेंगे ये आपका कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है, आप करोगे इसको करोगे इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन, ठीक है, आप एन इक्वल्स टू वन के लिए देखोगे, जैसे एन की जगह वन करोगे ना तो ए बी टू पावर भाई देख लो, जैसे आप एन की जगह वन करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी टू पावर वन इक्वल्स टू ए टू पावर वन इंटू बी टू पावर वन, आप मान के चलोगे जो स्टेटमेंट है n = k के लिए ट्रू है, जब n n = k के लिए ट्रू होगा इट मींस a b टू होल टू द पावर k = व्हाट a टू पावर k b टू पावर k हो जाएगा। फिर अगली लाइन लिखेंगे आप थर्ड केस, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1, ठीक है, क्या लेके चलोगे ये जो स्टेटमेंट है n = k + 1 के लिए सही है, इट मींस जहां n है वहां पे क्या लिखोगे k + 1 लिखोगे, ठीक है भाई। और फिर आप प्रूफ करोगे a टू पावर k + 1 * b टू पावर k + 1, यदि आप यहां तक कर पाते हैं फिर अल्टीमेटली आप लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिविटी, ठीक है, ये तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को जहां पे हम लोग n पावर गिवन होती है वहां पे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, ये पार्ट मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इन जनरल ये भी पूछा गया तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए बोर्ड पे है, कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स नंबर,
अब इस क्वेश्चन को मैंने अभी मतलब इसका हमने यूज किया था एक्चुअली, ठीक है। अभी हमने लिखा था जैसे आपका जो सेट लिया था जी, जिसके एलिमेंट थे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमने लिखा भाई ऑर्डर ऑफ वन वन हो गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा आपका लिखा था हमने जो है थ्री हो गया, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी हमने क्या लिख दिया थ्री। क्यों? क्योंकि भाई जो ओमेगा है इसका इन्वर्स क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, जो ऑर्डर ऑफ ओमेगा हमने क्या बताया थ्री होता है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी क्या हो जाएगा थ्री, थ्री ही हो जाएगा बाई दिस थ्योरम, ठीक है। तो ये भी थ्योरम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको प्रूफ भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि भाई ये क्वेश्चन जो है कभी कभी इसका यूज हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कभी कभी सीधा सीधा एज ए क्वेश्चन खुद बन जाता है ये थ्योरम जो है, आज इसको क्वेश्चन समझिए चाहे एज ए थ्योरम समझिए, ठीक है। ये भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और रिजल्ट तो बेस्ड क्वेश्चन आप जेटू टाइम में पूछे तो गए ही हैं इस पे बेस्ड, लेकिन मेंस में भी पूछे जाने की संभावना बनती है, इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, एक चीज मैंने यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन लिखी, इसको भी समझ लीजिए। यदि इफ एम इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एट पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू एम। ऑब्वियस सी बात है, यानी जब ए टू पावर एम क्या है आइडेंटिटी के इक्वल है, तो जो ऑर्डर ऑफ एम होगा जो ए टू पावर होता है उससे हमेशा क्या होगा छोटा या बराबर ही होगा ऑर्डर ऑफ ए, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी आप इसका हम यूज करेंगे इसको प्रूफ करने में, इसको आप साइड में इसका रिजल्ट आप लोग लिख लीजिए, हालांकि मैंने पिछले वाले क्लास में नोट करके मैंने लिखाया था, फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके हम प्रूफ की बात करते हैं। मान लेते हैं जो ऑर्डर ऑफ ए कोई एक एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू द सेट जी, ठीक है, एंड ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू द जी, ठीक, ग्रुप है तो जाहिर सी बात है उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है एन है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है एम है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है एम है। अब हमें पहुंचना क्या है, हमें पहुंचना है कि भाई ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, ये भी तो सोच लो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। अब इसको हमने माना कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमने क्या माना है एम माना, तो हमें ये प्रूफ करना होगा एन इक्वल्स टू एम, ठीक है। आपका ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है, हमें ये करना है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दिखाना है। हमने मान लिया कि भाई ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन है और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है एम है, जब हमने मान लिया है तो यानी एन इक्वल्स टू एम हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए तो अभी हमने बताया है कि भाई हमने ये माना यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू क्या है एन है, इट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम होने का मतलब क्या है, यानी ए टू पावर एन इक्वल्स टू ई रहा होगा, तभी तो हम इस एलिमेंट का ऑर्डर एन लिखते हैं बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ठीक है। यही तो हमने बताया था किसी भी एलिमेंट को आप ए टू पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी आप लिख पाते हो, हम कहेंगे उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा क्या होगा एन होगा, ये डेफिनेशन होती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप की। वही चीज हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू एन है तो डेफिनेटली ए टू पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी रहा होगा, तभी हम लोग लिखे होंगे कि इस ए के एलिमेंट का ऑर्डर एन होगा। वही बात हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, यानी इट मीन्स जो है ए टू पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, यानी जो है एम इक्वल टू व्हाट आइडेंटिटी हो जाएगा, यही तो इसका मतलब हुआ, ठीक है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि ए टू पावर एन कितना है भाई आइडेंटिटी, ए टू है ये है। अब यहाँ पे देखा जाए ए टू पावर एन क्या है आइडेंटिटी है, अब इसी पे हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसका हम माइनस पावर ले लेते हैं, इसका इनवर्स ले लें एंड ए टू पावर माइनस वन कर दें, ठीक है। तो ई टू पावर माइनस वन यहाँ पे भी हो जाएगा, अब ई का इनवर्स लेगा आइडेंटिटी का तो क्या आता है आइडेंटिटी आएगा, यानी वो यही आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, कोई भी एलिमेंट का इनवर्स यानी जो आइडेंटिटी है उसका जो हम लोग इनवर्स लेते हैं वो क्या होता है अपने ई के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो सिंस करके लिख लीजिए सिंस ई इनवर्स इक्वल्स टू ई, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ए टू पावर माइनस वन इक्वल्स टू ए टू पावर माइनस वन टू पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी के इक्वल है, क्यों इसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ए टू पावर ए इनवर्स रेज टू पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यदि हम ये लिख लिए तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ ए टू पावर माइनस वन, और यहाँ पे देखा जाए किस ये किसके इक्वल है आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसके किससे छोटा हो जाएगा एन से छोटा या बराबर होगा, इस डेफिनेशन को आप लोग देखिए जब ए टू पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी है तो हम लोग क्या लिखेंगे जो इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा
जो a टू पावर है उससे कम या बराबर होगा। वही चीज हमने यहाँ पे भी लिखा, a टू पावर माइनस n टू पावर n है इक्वल टू आइडेंटिटी है, इस इनवर्स एलिमेंट का जो आर्डर होगा जो n की पावर है उससे छोटा या बराबर ही तो होगा, इसी डेफिनेशन का यूज करके हमने लिखा है, ठीक है। अच्छा, और आपने यहाँ पे माना है कि जो आर्डर ऑफ a इनवर्स है वो कुछ नहीं किसके इक्वल है, m के इक्वल है, यानी यहां से एक बात निकल के आ गई m इज लेस देन r इक्वल टू n, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है m इक्वल टू n। तो आपको पता है कि जब m इज लेस देन इक्वल टू n हो गया, हमें इक्वालिटी दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये दिखा देंगे n इज लेस देन इक्वल टू m, यानी m इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू m, इट मींस दिस इंप्लाई दैट n इक्वल टू m, यहां पे हमें पहुंचना है। हमने एक पार्ट दिखा लिया, अब हमें दूसरा पार्ट हमें क्या कहां पहुंचना है, हम ये दिखा पाए कि n जो है m से छोटा या बराबर होगा, हम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या दिखाएंगे n इक्वल टू m, ठीक है, यहां पे पहुंचना है। तो इसको हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, समझना है तो सिंपल सी चीजों को एक्सप्लेन करिए दिया गया है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने दो बात लिख इसको लिख लेते हैं, आर्डर ऑफ ए हमने n माना है, आर्डर ऑफ ए इनवर्स हमने m माना, ठीक। चलो नाउ अब यहाँ पे हम बात करें कि जो a टू पावर माइनस वन, इसको तो हमने रिएज कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो हमने लिखा था a टू पावर माइनस वन पावर m क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इक्वल होगा, तभी तो हम लोग ये चीज लिख पाते हैं, है ना। अच्छा अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, a टू पावर m रेज़ टू पावर माइनस वन आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जिसका हम लोग फिर से इनवर्स ले लें, इसका हम फिर से इनवर्स ले लेंगे, तो इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट आ जाएगा, इसका इनवर्स करेंगे इट मींस दिस इंप्लाई द a टू पावर m, इसका इनवर्स करेंगे तो वही हो जाएगा e टू पावर इनवर्स, अभी आपने देखा e के इक्वल होता है, है ना, इट मींस यहां से आ जाएगा a टू पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, a टू पावर m इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी है, a टू पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m ले सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, और ऑर्डर ऑफ a आपने माना क्या है, m के इक्वल है, यानी n n इज लेस देन और इक्वल टू m, ठीक है भाई। इसको मान लो सेकंड, अभी हमने जो माना था इसको, जो आपका ये रिजल्ट आ रहा था m इज लेस देन इक्वल टू n, इसको माना था फर्स्ट, आप देखो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये तो इक्वलिटी की आपको डेफिनेशन ही होता है ना, कि भाई m इज लेस देन इक्वल टू n है, n इज लेस देन इक्वल टू m है, तो इट मींस क्या हो जाएगा, m इज m इक्वल टू n, यानी m क्या था भाई, m आपका था ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, ठीक है, n क्या था ऑर्डर ऑफ a, इट मींस ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, ठीक है, ये इसका प्रूफ हो गया, इसको आप जो है माइंड में जरूर सेट कर दीजिए, सेट कर दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। चीजें होती क्या है, चीज को थोड़ा सा लिखना है, आप चीजों को तो समझते तो हाँ ये चीज ऐसे हो, लेकिन होता क्या है जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा एग्जाम में टाइम है, थोड़ा समय आपका बचेगा, नहीं तो एक बार सोचेंगे हाँ इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है। चीजें तो आपके समझ में आ ही रही होंगी कि हाँ इस तरीके से हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो और बेहतर तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन है सबग्रुप की, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो सबग्रुप होता है वो भी एक ग्रुप ही है, ठीक है, बस ये है कि वो जो गिवन सेट है उसका सबसेट होता है, वो भी क्या होता है एक ग्रुप को ही फॉर्म करता है विध रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, जो ग्रुप का जिस ऑपरेशन में जो ग्रुप होता है एक्चुअली जो सेट उसका जो सबसेट वो भी क्या होता है उसी दिए हुए ऑपरेशन में क्या होता है वो भी ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये चीज मैंने डेफिनेशन लिखा है, नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी, एच क्या है जी का एक सबसेट है, ठीक है, एच क्या है जी का एक सबसेट है, इज कॉल्ड सबग्रुप इफ एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइंड ऑन जी। कहने का मतलब ये, जैसे मैं ये कह दूं कि भाई जेड प्लस ले रहे हैं, ठीक ठीक है, और हम एक ले रहे हैं क्यू प्लस, ठीक है, देखा जाए कि जो जेड प्लस है, ठीक है, जो जेड प्लस है वो क्या हो गया, क्यू प्लस का क्या है सब ग्रुप है, ठीक है, जेड प्लस क्या है, जेड प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस। अब क्यू प्लस क्या है, ये भी तो ग्रुप ही है, क्यू प्लस ये जो जेड क्या है इस क्यू का सबसेट है, तो है ना, यही ये भी जो जेड है ये भी क्या हो, ये भी आपका ग्रुप ही फॉर्म करेगा
जो जिस ऑपरेशन में ये ग्रुप बना रहा है उसी ऑपरेशन में इसका सब ग्रुप भी ग्रुप बनाए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वो भी क्या होगा ग्रुप, जैसे सिंपल से एक एग्जाम्पल लीजिए, आप मान लीजिए आपके पेरेंट्स क्या है, ठीक है, ये आपकी पूरी फैमिली हो गई, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका जो फैमिली यादव परिवार है पूरी, ठीक है, यादव परिवार, ठीक। तो अब आपके जो मेरे पिता के जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, जितनी जो कंडीशंस होती है यादव वाली, वो सारे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी सदस्य वो क्या है, इसके सब ग्रुप ही होंगे, जो सब ग्रुप होते हैं वो भी जो मालिक है जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जितने भी जो उस घर के रूल हैं, रूल रेगुलेशन है, उसके जो मेंबर हैं वो जो या उनके बच्चे हैं वो भी तो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे भी, ठीक है। अब बात आती है कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, जो भाई कोई भी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी भी होगा, इनवर्स भी होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो और पूरा पूरा जो ग्रुप होता है, जो सेट है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। यानी किसी भी ग्रुप के दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप हमेशा मिलते हैं, ठीक है, किसी भी ग्रुप के दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप हमेशा मिलते हैं, या उसको हम लोग ट्रिवियल सब ग्रुप का नाम भी देते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलिए या ट्रिवियल सब ग्रुप बोलिए, ठीक है। फिर एनी अदर सब ग्रुप ऑफ जी इफ इट एग्जिस्ट, यहाँ हमने एक वर्ड लिखा है कि एनी अदर, यानी ई और जी को छोड़ के, ई और जी को छोड़ के और कोई सब ग्रुप बनता है तो पॉसिबल, इफ इट इज, जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट ही करे, यदि एग्जिस्ट करता है तो उसको हम नाम देते हैं प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्रिवियल। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया भी था कि भाई कोई एच है, उसके जो एलिमेंट है वन है और आपका जो है माइनस वन है, ठीक है, और जो आपका जो ग्रुप सेट है उसके जो एलिमेंट है आपका वही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वन आई और माइनस वन और माइनस आई, ये जो एच है ना इसका क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है, इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, इसका क्या है, ये सब ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है इसका, ये सब ग्रुप है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हो, पूछा है आपने टू टाइम में, जब टीजीटी या पीजीटी किस एग्जाम में पूछा है, ठीक है, इसका सब ग्रुप क्या होगा इसका, ठीक है, और भी इसके सब ग्रुप होंगे। तो जो इसमें आइडेंटिटी क्या है, इसकी वन है, ठीक है, तो वन यानी इक्वल टू वन करें, और जो एच है ये सॉरी पूरा पूरा जो सेट जी है, जी यानी पूरा पूरा यानी वन माइनस वन आई माइनस आई आई, जो ई और जो जी है इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप, जो ये एच है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। तो आई होप आप चीजों को समझ गए, क्या इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है, क्या प्रॉपर सब ग्रुप। आइडेंटिटी और जी को छोड़ के जितने भी बचते हैं सब ग्रुप वो प्रॉपर होते हैं, और ई आइडेंटिटी और जी पूरा पूरा इम्प्रॉपर या उसको ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, जितना पढ़ा गया उसको एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।